कि जिनके बेटे डॉक्टर हैं, जिनकी बहुएं डॉक्टर हैं और घर में बूढ़ी माँ अकेली रोटी बनाकर खा रही है साहब, अकेली अकेली खा रही। कई मिठाई ऐसे कई लोग ढेर, जितने वृद्धाश्रम जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं, आप लोग बैठे हैं टीवी के माध्यम से, कई लोग इस कथा को सुन रहे हैं। चेन्नई में महेश्वरी समाज द्वारा कथा हुई तो हमने आदरणीय ताराचंद जी मोहता जो महेश्वरी समाज के वहां पर, और जीवन सिंह जी राठी, इनको कहा आपके यहाँ वृद्धाश्रम बना हुआ है, चलो चलकर मिलकर आते हैं वृद्धों से, चलिए गए वृद्धाश्रम में, माताओं को बंधुओं को प्रणाम किया, नमन किया, पूछा आपके कितने बच्चे हैं। वो कहती हैं कि हमारे 3 लड़के हैं, कोई कहती है मेरे 4 बेटे, कोई कहती है मेरे 2 बेटे, कोई कहती है मेरा 1 बेटा। जितनों से मिले, किसी का बेटा डॉक्टर था, किसी का बेटा इंजीनियर था, किसी का बेटा कहीं सर्विस में था, कोई व्यापारी था, कोई ये था, सब अच्छे अच्छे पैसे वाले थे और तो भी माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े थे, तो भी वृद्धाश्रम। क्यों? उसका एक कारण था, माता पिता ने एक जिद पकड़ी थी कि बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, खूब आगे बढ़ाना है, खूब पढ़ाओ। हम भी कह रहे हैं बच्चों को खूब पढ़ाओ, अव्वल बनाओ, जो मर्जी पढ़े वो बनाओ। पर शिव महापुराण कहती है कि बच्चों को सब कुछ दो पर साथ में संस्कार जरूर देना, नहीं तो आज तुम्हारे गांव से पढ़ने के लिए बाहर गांव गया, बाहर गांव जाकर नौकरी लग गई, नौकरी लगकर पुणे और मुंबई में रहने लगा, बेंगलोर चले गया, वहां से आगे बड़ा विदेश चले गया, और बूढ़े माँ बाप पड़ोसी के बच्चे से कह रहे हैं मेरे लिए एक थोड़ी सी दवाई ला दे बेटा, सब्जी ला दे बेटा, पड़ोसी का बेटा भाग भाग कर काम कर रहा है, पड़ोसी का बेटा उसको लेकर जा रहा है, पड़ोसी का बेटा। अभी कुछ दिन पहले की बात, गुजरात में एक मां मरी और मां का अंतिम संस्कार करने के लिए बेटा नहीं था, बेटी भी अपना नगर छोड़कर नहीं गई, और जब बेटे को फोन करा तो बेटा कहता है मैं ऑनलाइन अंतिम संस्कार करूंगा, आप मेरे को दिखाते जाना, मैं बताते जाऊंगा, वहीं से हाथ लगा दूंगा, आग लग जाए। लगा दी आग, ऑनलाइन अंतिम संस्कार करा, बाद में आया, प्रॉपर्टी को बेचा, सब लेकर चले गया। क्यों? मां मरी थी तब आ जाता प्रॉपर्टी लेने के लिए, तभी भी तो आना था अंतिम संस्कार करने। हमारी आशा है हमारी औलाद हमारे लिए करेगी, करेगी तब जब आप संस्कार दोगे। बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चे कार बेचकर खा जाएंगे, अगर बच्चों को दिलाना है संस्कार दिलाओ तो कारों की लाइन लगा देंगे, संस्कार तब शोभा देंगे कारें जब घर में संस्कार श्रेष्ठ हो। महाराज बहुत विचित्र दशा है आज भारत की भूमि पर, जितनी जितनी गौशालाएं खुल रही हैं उससे दुगने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, लोग बूढ़ों को घर में रख नहीं पा रहे, दो मीठे बोल नहीं बोल पा रहे और प्रेम की वाणी भूल गए लोग। साहब लोगों को बीमारी हो गई आज के जमाने में, कौन सी जो किसी को नहीं होती थी वो बीमारी, शुगर। कौन सी बीमारी है जम के बोलो? शुगर। पहले होती थी? अरे बोलो तो सही, पहले होती थी? नहीं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है, हर मनुष्य के शरीर में शक्कर है, ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं होता जिसके शरीर में शक्कर नहीं होती, डॉक्टर से पूछना, हर एक व्यक्ति के शरीर में शक्कर है। पहले भी होती थी शक्कर, पर बीमारी नहीं होती थी कि शुगर बढ़ रही है, शुगर घट रही है, शुगर ये जा रही कहीं वो जा रही, कहीं इंसुलिन ले रहा है, कहीं इंजेक्शन ले रहा है, कहीं दवाई ले रहा है। काय के लिए बढ़ी शुगर, काय के लिए घटी शुगर? उसका केवल एक कारण है, हर एक मनुष्य के शरीर में शुगर होती थी पर शुगर को वो निकालते रहते थे, अपनी जीवान से इतना मीठा बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे कि शुगर निकलती रहती थी। जिसकी शुगर बाहर निकलती रहती थी उसकी शुगर ब्लड में नहीं जाती थी तो बीमारी नहीं बन पाती थी। आज के जमाने में लोगों ने मीठा बोलना छोड़ दिया तो शुगर ब्लड में जा रही है, इसके कारण शुगर की बीमारी होती चली जा रही है।
बस बीमारी का एक ही कारण है, तुम मीठा बोलो री, अरे यो करमाला वालियो, अच्छे से मिठास से परिपूर्ण बीमारी नहीं होगी, पक्का है। मीठा बोलना चालू करो, तुम जितना जितना मीठा बोलोगे उतनी उतनी बीमारी घटती चली जाएगी। तुम मीठा बोलो तो सही, क्योंकि तुम जब जब बोलो, नहीं बोलू क्योंकि जब बोले तब ऐसी बोले कि मुंडा से मेंढक झड़े, तो बोले क्या मीठा बोले, मिठास से परे, प्रेम से परे। कोई गाली दे मीठा बोल, अब शब्द के बोलने दो, ताना दे बोल खूब प्रेम से, जो जितना ज्यादा ज्यादा तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी करके घूमो, उतनी जोरदार, वो जितना बोले उतना गजरा लगा बालों में, जितना जितना अपशब्द बोले उतना उतना सच के निकलो, और बोल और बोल बोले। कई लोग तो झगड़, एक ठेले वाला निकला कोई उसके पड़ोसन के यहाँ निब्बू गिर गया तो झगड़ा करने बैठ गए, बताओ ये मेरे घर पे निब्बू न जाने कौन पटक गया, पड़ोसन ने निब्बू पटका होगा, वो पड़ोसन से झगड़ा कर रही, अरे दरवाजे पे लिख दे एक साथ 12 निब्बू पटको कम से कम अचार डाल के खा लूंगा, तो दूसरी बार कोई निब्बू नहीं पटकेगा, झगड़ा करेगी तो और पटकेगा, मत झगड़ो ना, काय झगड़ो। प्रेम अवश्य, और जहां प्रेम हो वह आनंद की अनुभूति होती है महाराज, आनंद की। प्रेम में फिर कुछ कहा, मंगरूल पीर में कथा थी, कहा है महाराज जी मंगरूल पीर में कथा, ये कहा है अमरावती क्या है वाशिम के पास मंगरूल पीर, वहां कथा थी, कथा करने गए और भोजन की थाली लगी, थाली लगी तो भोजन में उन्हें सब कुछ रखा, सब्जी भी दो तीन तरह की बनाई थी, गिलकी की तुरई की वगैरह लौकी की, और वहां पर एक कुछ चलता था ऐसा मिर्ची कूट के उसका ठेसा वो रखा, हमको नहीं मालूम था, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं चलता ये ठेसा फेसा, हमारे यहाँ नहीं चलता है, तो हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, हमने कहा बताओ सब्जी भी रखी तो इतनी सी रखी, बताओ कितना कंजूस से सब्जी रखी इतनी सी, हमने कहा पहले यही सब्जी खाएंगे जा तो अच्छी बनी होगी इसलिए तीसरी रखी, अगर अच्छी नहीं बनती तो ज्यादा रखता, अच्छी बनी होगी इसलिए तीसरी रखी। हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा पट्ठे साको उठा लिया, अब एक ही कोरे में उठा के जो खाया ऐसी ठेस पहुंचाया जी जी, उसके बाद जिंदगी में कभी ठेसा नहीं खाया, इतनी ठेस पहुंचाई कहां खाया। और कल वो पूछ रही थी हमारी वो ब्राह्मणी उन भोजन बना रही ना जो माँ, तो ब्राह्मणी उन कह रही थी गुरुजी हमें का क्या है ठेसा बना तू का, मैंने कहा बेन आज जो ठेसा नहीं ठेसा थी वो एक उठेसा खा ला बारी पर। मुझे जब से ज्ञात हुआ कि महाराष्ट्र के लोग तो इतनी ठेस आपने आप इतनी पहुंचाए हुए हैं ठेसा खा खा के, इनको दूसरी ठेस तो लग ही नहीं सकता।